गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा गणेश हम आपको मिला रहे हैं, ऐसे गणेश जी से जो बिल्कुल साक्षात गणेश ही है। एक अनूठी देन, इनकी खास बात है कि ये जमीन से निकले हुए हैं। ये प्रतिमा है जमीन से निकली हुई। इन्हें जाना जाता है निमाई गणेश के नाम से। राजस्थान की डेजर्ट सिटी बीकानेर में यह स्थित है निमाई गणेश। इनकी कथा अपने आप में एक रोचक कथा है। निमाई बताया जाता है कि बीकानेर शहर के एक निजी आवास पर के समीप एक क्षेत्र में यह गणेश आज से 9 वर्ष पहले में निकले थे कि हूबहू गणेश की प्रतिमूर्ति लगने वाले ये निमाई गणेश। इनका नाम निमाई गणेश क्यों पड़ा, इस इतिहास के बारे में यदि हम गौर करें तो ये आपको जो गणेश दिख रहे हैं नीम की पेड़ के जड़ का एक भाग जो जमीन में जमीन से निकला, ये निकला जब यहाँ मकान मालिक यहाँ पे निर्माण करवा रहे थे पानी की टंकी का, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उसका निर्माण करवा रहे थे, उस दौरान यह जमीन से निकला। रियल दिखने वाले निमाई गणेश आज से 9 वर्ष पूर्व इसी डेजर्ट सिटी, राजस्थान की डेजर्ट सिटी बीकानेर में निकले। बताया जाता है यहाँ पे वर्षों पहले एक नीम का पेड़ हुआ करता था। उस नीम के पेड़ के कारण यह जमीन जो बिकती नहीं थी, इस जमीन के पूर्व मालिकों द्वारा इस नीम को कटवा दिया गया। कटवाने के बाद ताकि यह नीम वापस ग्रो ना करे इस कारण पूर्व मालिकों ने इसके ऊपर डाल दिया और वो निश्चित तौर पर बढ़ा नहीं। देखिए प्रकृति का अनूठा चमत्कार हुआ जब इसे नए मालिक ने इसे खरीदा और यहाँ पे पानी की टंकी खुदाई, जैसे टंकी निर्माण का कार्य मालिक के द्वारा करवाया गया वैसे वैसे एक आकार, एक तना दिखा मजदूर और मालिक दोनों को। बताया गया कि यहाँ पे एक नीम का पेड़ था। वासियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक नीम का पेड़ था। प्रकृति की अनूठी अनुकंपा रही कि नीम के पेड़ में भी गणेश का प्रतिरूप देखने को अब तक धार्मिक गुरु पंडितों द्वारा ये बताया जाता है कि आज तक सफेद आग की खुदाई के दौरान आखिरी जड़ों में तो जरूर देखा गया है गणेश का प्रतिरूप, परंतु नीम की पेड़ पे उसकी जड़ पे यह मिलना अत्यंत दुर्लभ है। लगभग 350 kg वजन के यह गणेश है निकले। उस वक्त बताया जाता है कि इनका वजन 300-350 kg हुआ करता था,
जैसे जैसे तना सूखा। वजन आज की ताजा स्थिति में यह है कि यह 150 केजी से भी अधिक वजन के गणेश है। आज बीकानेर शहर में ही नहीं वरन देश विदेश में भी यह गणेश बहुत ही प्रसिद्ध गणेश हैं। मन्नतों के लिए जाने जाते हैं, मन्नतें यहाँ पूरी होती है। लोग मन्नतें पूरी होने के बाद चांदी के छत्र चढ़ा के जाते हैं, जिन्हें पूजा जाता है। इस घर के लोग बताते हैं कि निमाई गणेश की रोज पूजा की जाती है और लोग पन्नियों से इनकी पोशाक तैयार करते हैं इन गणेश को देखने का। लोग चढ़ाते हैं बूंदी के लड्डू, जो कि गणेश के की कोई कमी नहीं है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज ये थी हमारी तरफ से विशेष पेशकश गणेश श्रद्धालुओं के लिए। यह संयोग की ही बात है कि इस वर्ष 2009 को 23 अगस्त के दिन ही चतुर्थी है, जो कि गणेश का जन्मदिन है। और यह भी एक तरह का बड़ा संयोग है कि डेजर्ट बीकानेर के ये निमाई गणेश भी वर्ष 2000 में अगस्त 23 को ही निकले थे।